यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। देखिए रिजल्ट कैसा रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ साथ कंपनी के शेयर प्राइस के लेवल्स और टारगेट को भी जानेंगे, आपको किस लेवल्स पे इसमें एंट्री करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप जब इसको होल्ड करेंगे निश्चित रूप से एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। इसमें 100% गारंटी है यह स्टॉक, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं गिरावट में बाय ऑन डिप करके तो निश्चित रूप से यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। कंपनी की बात करें, नंबर वन एडहेसिव कंपनी है इंडिया की और साथ ही साथ कंपनी में 5300 से ऊपर इंप्लाई काम है। 9 कंट्रीज में कंपनी का ऑपरेशन है। 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 31 को मेकर्स इन इंडिया है। साथ ही साथ 600 से ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट है और 20 से भी अधिक में कंपनी एक्सपोर्ट करते अपने प्रोडक्ट को। 20 इंटरनेशनल और 15 डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी है कंपनी की। 5 रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें से 3 इंडिया में है और 2 जो रिसर्च डेवलपमेंट है ये यूएसए में बेस्ड है। अगर बात करें कंपनी का जो रेवेन्यू है तो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है 52.6% एडहेसिव और सीलेंट से आती है, 19.2% कंस्ट्रक्शन केमिकल और पेंट से आती है, 8.1% आर्ट क्राफ्ट मटेरियल, मतलब कंपनी आर्ट क्राफ्ट मटेरियल भी बेचती है, 6.1% इंडस्ट्रियल एडहेसिव से आती है, 6.2% पिगमेंट्स एंड प्रिपरेशन से आती है और 6.4% इंडस्ट्रियल रेसिन्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल से आती है और यहां पर 1.4% अदर जो कंपनी के प्रोडक्ट है उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो किस इस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और कंपनी जो है ग्लोबल प्रेजेंस रखता है, 80+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। मतलब कंपनी प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफाई है, साथ साथ ज्योग्राफिकली भी कंपनी का जो सेल्स है वो डाइवर्सिफाइड है। तो कंपनी का यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट सेल्स है वो 13% CAGR से ग्रो किया है। सेल्स देखिए 13% CAGR से ग्रो किया है और यहाँ पर EBITDA की बात है 15% के CAGR से ग्रो किया है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो तो 20% के CAGR से भी ऊपर से ग्रो हुआ है और कंपनी की बात करें यहाँ पिछले 10 साल में तो जो मार्केट कैप है वो 28% के CAGR से ग्रो किया है। मार्केट कैप के ग्रो होने का मतलब है कि कंपनी का जो प्राइस है वो 28% के CAGR से ग्रो हुआ है, तो क्यों ना हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड परसेंट रहा है एवरेज रूप से 37% कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का वो डिविडेंड पे की है, तो नेट प्रॉफिट का 37% डिविडेंड के रूप में देती है, तो ये भी काफी बेहतरीन साइन है इन्वेस्टर के लिए। ये कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री। हम इस कंपनी के रिजल्ट को यहाँ पर जानेंगे, साथ साथ कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में। देखिए लॉन्ग टर्म में हमेशा बाय ऑन डिप है ये स्टॉक, कई बार मैंने इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि ये स्टॉक हमेशा बाय ऑन डिप है। और यहाँ पर बात करें तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। हम जब भी बात करते हैं कंसोलिडेटेड करते हैं, मतलब कंपनी के जितने भी सब्सिडी कंपनियाँ हैं, जैसा आपने देखा 20+ सब्सिडी कंपनियाँ हैं और साथ साथ कई सारी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनियाँ हैं, तो सबका मिला करके ये कंपनी का रिजल्ट है क्योंकि ये कंपनी पेरेंट कंपनी है। साथ साथ कंपनी का अपना भी बिजनेस है, साथ साथ सब्सिडी कंपनियों के द्वारा भी कंपनी 80+ कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो इनकम है कंपनी का हुआ है 1942 करोड़ का, जबकि देखिए पिछले क्वार्टर में था 2252 करोड़ का। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज हुआ है, जिसका कारण क्या है, लॉकडाउन, जो पैंडमिक था उसके कारण लॉकडाउन लगा था, तो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम यूज होंगे। और यहाँ पर पिछले साल के क्वार्टर में बात करें देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो ये सेकेंड वेव था कोविड का, यहाँ पर फर्स्ट वेव था पिछले साल के जून क्वार्टर में। वहाँ पर मात्र सेल्स था, मतलब जो टोटल इनकम जनरेट हुआ था 897 करोड़ का, तो पिछले ईयर के क्वार्टर के कंपेयर में तो काफ़ी बेटर है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। जबकि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में करें तो यहाँ पे भी सेल्स प्रभावित हुआ है, मतलब जो टोटल इनकम जनरेट हुआ है वो प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में एक्सपेंस रहा है 1655 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस था टोटल 1839 करोड़ का, तो एक्सपेंस भी कंपनी का डिक्रीज हुआ है अगर टोटल इनकम डिक्रीज हुआ है। वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में था 866 करोड़ का एक्सपेंस, तो देखिए जब बिजनेस प्रभावित होगा तो कंपनी का एक्सपेंस भी प्रभावित होगा, अगर बिजनेस प्रभावित ना हुआ हो तो निश्चित रूप से एक्सपेंस जो है हमारा डिक्रीज नहीं होगा। इनकम तो कभी भी डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कंपनी
एक्सपेंस डिक्रीज करना जब चाहेगी तभी होगा, या तो इस तरह का पैंडमिक हो जाए जहां पर कंपनी के जो ऑपरेशन है, जो बिजनेस है, वो अपने आप बंद हो जाए, तो निश्चित रूप से एक्सपेंस भी डिक्रीज होगा और इनकम भी। तो वही यहां पर हुआ है, कंपनी का एक्सपेंस भी डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 217 करोड़ का यहाँ पर रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 307 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला है प्रॉफिट में। और बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर में तो 15.82 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ से तो काफी जंप है। यहाँ से लगभग देख सकते हैं लगभग 15 टाइम्स का जंप है, यहाँ से काफी ज्यादा जंप है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में काफी ज्यादा डिक्रीज देखने मिला है। देखिए यहाँ पर जो पिछले साल के जून क्वार्टर में था, यहाँ पर पैंडमिक के कारण बिजनेस प्रभावित हुआ था, तो जो कि मार्केट को भी पता था और इस बार भी मार्केट को पता है, लेकिन जो नंबर आया है नेट प्रॉफिट का वो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में कम है। अगर कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लेता है तो वो इस रिजल्ट को नेगेटिव लेगा, और कोई अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस लेता है तो इस रिजल्ट को पॉजिटिव लेगा। तो मार्केट के यहाँ पर एस्टीमेट क्या था ये भी देखना होगा। अगर मार्केट के एस्टीमेट को, जो एक्सपर्ट है उनके एस्टीमेट को बीट करता है ये रिजल्ट, निश्चित रूप से स्टॉक में तेजी देखने मिल सकता है। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको नेगेटिव लेता है तो निश्चित रूप से आपको गिरावट देखने मिलेगा स्टॉक में। देखिए लेकिन ये गिरावट जो एक टेम्पोररी बेसिस होगा, क्योंकि ये इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में हमेशा डिमांड में रहने वाले हैं, जब भी हमारा सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर का। देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर 4.33 रुपीज है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 6 रुपीज। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने मिला है, जबकि पिछले साल के जून क्वार्टर में था मात्र 53 पैसा। तो यहाँ से तो काफी ज्यादा जंप है। पिछले साल के जून क्वार्टर के कंपेयर में इस बार जो है अर्निंग पर शेयर 8 टाइम्स का है, जबकि जो पिछला क्वार्टर है उससे लगभग यहाँ पर 30% का अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने मिला है। तो जब नेट प्रॉफिट में गिरावट होगा तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें गिरावट देखने मिलेगा। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट रहा है। तो अब इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है टेक्निकल चार्ट पे हम जानेंगे। देखिए कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले हम कंपनी के जो डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 112,000 करोड़ का है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है। करेंट प्राइस 2,222 रुपीज के आसपास है, जिसको हम चार्ट पे अच्छे से देखेंगे। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.38% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.4% काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% ये भी काफ़ी बेहतरीन है। फेस वैल्यू 1 का है। अगर पी की बात करें इंडस्ट्री का पी 27 है, जबकि इस स्टॉक का पी देखिए 99.8, काफ़ी महंगे प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक ही काफ़ी बेहतरीन है जो कि लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। ऐसे अच्छे स्टॉक हमेशा महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 70% है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी का 0.06 है, तो डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है इक्विटी के कंपेयर में। तो यहाँ पर डेट देखिए मात्र 331 करोड़ का है, जबकि नेट एनुअल प्रॉफिट कंपनी का लगभग 1,131 करोड़ है, और ये भी डिक्रीज हुआ है पैंडमिक के कारण, अदरवाइज ये तो काफ़ी ज़्यादा रहता और भी। और रिजर्व की बात करें 5,542 करोड़ का है, तो रिजर्व भी कंपनी का यहाँ पर अच्छा खासा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का जो सेल्स है, देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्स क्वार्टरली सेल्स, तो हम यहाँ क्वार्टरली सेल्स को नहीं देखें, क्वार्टरली प्रॉफिट को देख लेते हैं। प्रॉफिट जो अब की बार जो जून क्वार्टर है 220 करोड़ का आसपास यहाँ पर रहा है, जबकि देखिए एवरेज रूप से यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर रहता था, और दो साल पहले की बात करें तो यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास रहता था। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट में काफी गिरावट ये हमको देखने मिल रहा है। अगर हम एनुअल प्रॉफिट और सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 2010 में 2,194 करोड़ का सेल्स था, यहाँ से बढ़कर के 10 साल में देखिए जा चुका है 8,352 करोड़ का। यहाँ ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स दिखा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जंप देखने में, लगभग 4 टाइम सेल्स हुआ है। जबकि प्रॉफिट देखिए 2010 में था 273 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ से लगातार प्रॉफिट में जंप देखने मिला, और ये पहुँच चुका है 1,131 करोड़ का। लगभग यहाँ से ये 5 टाइम्स हो चुका है, लगभग 5 टाइम्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो कर रही है, जिसका ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्स में जो ग्रोथ है 10 साल में 11% का, प्रॉफिट में ग्रोथ 14% का, और 10 साल में प्राइस का जो ग्रोथ है वो 29%, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था मार्केट कैप 28% के CAGR से ग्रो कर रहा है, तो जो कि शेयर प्राइस का ग्रोथ है। तो कुछ इस तरह का ग्रोथ रहा है इस कंपनी का, जो कि काफ़ी सॉलिड है। बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं, शेयर कैपिटल है 51 करोड़ का, रिजर्व है कंपनी के पास 5,542 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 2010 में मात्र था 821 करोड़ का।
और डेट की बात करें तो 331 करोड़ का है और लगभग कंपनी का डेट जो है थोड़ा सा यहीं पर डिक्रीज और इंक्रीज होता हुआ है, जबकि पिछले दो तीन सालों से थोड़ा सा डेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी हमेशा कैश फ्लो जनरेट हुआ है और कैश फ्लो देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो जब कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव साइन है कि कंपनी फंडामेंटली काफी सॉलिड है और कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो काफी अच्छे से चल रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमेशा आपको देखना चाहिए, कैश फ्लो कंपनी अगर जनरेट करते हैं निश्चित रूप से कंपनी काफी बेहतरीन है। अगर बात करें डेबिटर्स डेज का, कंपनी का डेबिटर्स डेज 66 डेज का है जो कि काफी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा रहा है कंपनी का। इन्वेंट्री टर्नओवर 3.18 का है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बात करें इन्वेस्टर का, तो प्रमोटर्स का स्टेक जो है 70% का है, FIs का स्टेक 12% का है, DIs का स्टेक 7% का है, गवर्नमेंट का स्टेक 0 है, पब्लिक स्टेक 10.64 का है। तो देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि FIs प्लस प्रमोटर को जोड़ दें तो लगभग 82% का स्टेक होता है, तो ये 82% तो प्रमोटर्स प्लस FIs के पास है, तो इधर देख लीजिए पब्लिक के पास काफ़ी कम स्टेक, मात्र 10% है। तो ऐसे अच्छे स्टॉक में निश्चित रूप से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट का। देखिए टेक्निकल चार्ट भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कब आपको एंट्री करना है, अगर आपका प्राइस जो एंट्री काफी बड़ा हो जाता है तो आपको रिटर्न भी काफी कम मिलेगा। तो टेक्निकल चार्ट की मदद से हम स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना हमें अच्छे रीजनेबल प्राइस पर मिल सकता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज काफी जबरदस्त इसमें गिरावट देखने मिला था, लेकिन मार्केट में गिरावट के साथ साथ इस स्टॉक में भी गिरावट हुआ था, लेकिन जैसे मार्केट में रिकवरी हुआ तो ये स्टॉक भी काफी जबरदस्त रिकवरी हुआ और ये यहाँ पर 2177 के प्राइस से रिकवर होकर के यहाँ पर क्लोजिंग दिया है 2260 रुपीज, लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर रिकवरी हुआ आज। अगर यहाँ पर रिजल्ट को पॉजिटिव लेता है निश्चित रूप से आपको यहाँ से स्टॉक में तेजी देखने मिल सकता है, और अगर ये 2335 रुपीज के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर ये एक जबरदस्त ब्रेकआउट होगा। तो अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो इसका जो टारगेट होगा वहाँ पर लगभग समझिए 200 रुपीज का होगा, मतलब 2500 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा और यहाँ से ब्रेकआउट देता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजल्ट को मार्केट निगेटिव लेता है तो यहाँ पर गिरावट आपको अगर देखने मिलता है, तो ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट है, जहाँ पर आज देखते हैं इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसका सबसे जो मेजर सपोर्ट लेवल होगा 2000 रुपीज होगा, क्योंकि 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए यहाँ पर कोई सपोर्ट तो आपको बनता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर आपको 2050 से लेकर के 2000 के बीच सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है, अगर कोई बड़ी गिरावट इसमें होती है। देखिए इसमें 200-300 रुपीज का गिरावट भी इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटल इतनी सॉलिड है कि हर गिरावट में आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये एक ऐसे स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से होना चाहिए, तो हर गिरावट में आप इसको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।